गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स बुक से जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ए शुरू करते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि इसमें जो फ्रैक्शन दिए हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है, कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। तो जो पहले क्वेश्चन का पहला है वो है 5/8 एंड 7/12। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले किया गया जाता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिरछा, इससे इसको और इसको इससे, ऐसे ऐसे। पहले ऊपर वाले से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है क्या 5 × 12 और इधर 8 × 7। ये अब यहां से कर लेते हैं एक बार, ये हो गया 60, ये हो गया 8 × 7 = 56। यानी कि ये वाला पहला वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रेटर है। यहाँ बॉक्स बना के कर लेते हैं ताकि दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं क्या, सो फाइव बाई एट इज ग्रेटर देन 7/12। ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं 5/8 7/12, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। तो जो बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी है, क्या हमको प्राप्त होगा 5 × 12 and 8 × 7 था। इसमें दो और क्वेश्चन है वो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस रहेगा, उसी से बनाएंगे अगला। अब सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें करना क्या है कि जो भी ये आपके फ्रैक्शन दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ने को जाता है इसको, बढ़ते क्रम यानी कि सबसे इसमें लिखा जाता है सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको निकाल लेते हैं, लिखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सेकंड का वो है 3/4, 5/6, 7/9 and 11/12। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट बनाया जाता है, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में
आप समझ लें प्रॉपर में कर लिया जाता है। प्रॉपर में जैसे कि आप जानते हैं कि इसको सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम करना होता है। तो इसके लिए आपको निकालना क्या पड़ता है, सबका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम जिनको निकालने नहीं आता है, हालांकि सबको आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए यहाँ निकाल दे रहे हैं 4, 6, 9 and 12, ठीक है। 2 से शुरू करते हैं, 2 to 4, 6, 9, 9 रह जाएगा, दिया होगा 6। फिर एक बार 2 से करते हैं, यहाँ 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा। और एक बार 3 से करते हैं, यहाँ 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, बस अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 into 2 into 3। अबे टू या फोर, फोर थ्री जा सिक्स, टू या फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36। कौन सा मल्टीप्लाई नहीं करता, तो यहाँ से आएगा कितना 36, यानी कि सबका डिनोमिनेटर करना है 36। तो 36 करने के लिए सबको अब इक्विवेलेंट कर लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में। यहाँ 36 करने के लिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, 9 हो जाए 36, यानी कि इसको जब 9 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 9 से कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं नाउ, यानी कि एलसीएम निकालने के बाद हमको क्या करना है, लेट अस चेंज ईच ऑफ द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं, इक्विवेलेंट चेंज करने का एक और बात आ जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, और साथ में विच डिनोमिनेटर इज, जो एलसीएम आपका आया था 36 वो विच डिनोमिनेटर इज 36। चलिए अब कर लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को 9 से, ये तो हो गया पहले के लिए। दूसरा है 5/6, 6 को 36 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 7/9, 9 को 36 करने के लिए 4, तो दोनों को 4 से कर देंगे। और आखिरी जो है 11/12, 12 को 36 करने के लिए 3 से, ठीक है। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन है, ये 9/3 = 27/36, 27 = 36 ही आएगा, ये 35 = 30/36, 28/36, 33/36। अब आ गया आपका देखिए इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है, और जब सब डिनोमिनेटर जब क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब वो कैसे फ्रैक्शन में आ जाता है, लाइक फ्रैक्शन। तो जब इस तरह का लाइक फ्रैक्शन में आ जाए तो नोमिनेटर, नोमिनेटर जिसका जितना छोटा होता है, तो नोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो छोटा होता है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो यानी कि ऊपर वाली संख्या के हिसाब से जो छोटा है उसको पहले और उससे बड़ा से करके हम अगर सजा दें तो वो क्या हो जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि इसमें सबसे छोटा कौन है, 27 वाला, तो लिख लेंगे 27/
36 फिर आएगा 28 बाई 36 फिर आएगा 30 बाई 36 और लास्ट आएगा 33 बाई 36 ठीक है। अब इनका जो ओरिजिनल रूट था वो हम लिख लेंगे। ये जो था वो किसका था, इसका था, यानी कि यहाँ पर हम यही लिख रहे हैं 3/4। 28 वाला जो था वो तीसरा यानी 7/9। उसके बाद 28 हो गया। 30 वाला जो था, 30 वाला यानी कि सेकंड नंबर 5/6। और लास्ट जो है वो है 11/12। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। यहां से हम लिख सकते हैं कि इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये जो प्रोसेस था इसी प्रोसेस को एक बार ध्यान दे दीजिए। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हिंदी में बोला जाता है अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में करना है तो इसको उल्टा कर दिया जाता है। उसमें पहले आता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे अंतिम में सबसे छोटा, यानी सबसे ग्रेटर पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद उससे फिर लेस देन करते करते सबसे जो लास्ट में होगा उसका सबसे जो लेस वाला होगा वो लास्ट में होगा। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन एकदम सेम वही है, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सब प्रोसेस सेम कीजिएगा। यहाँ वाला लिखने वाली जो बात है वो आप इसको उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ बड़ा वाला फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे करके आप बनाएंगे। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक और क्वेश्चन है, यानी कि इसमें है आपके फिर जो होमवर्क होंगे वो होगा सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का वन एंड टू, थर्ड का वन एंड टू दोनों सेम ही प्रोसेस होगा, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि उसमें पहले ग्रेटर वाला हो जाएगा फिर उससे लेस देन वाला देखते चलेंगे। क्वेश्चन की बात करें, चार नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप खुद से ही बनाएंगे। देखिए चार नंबर क्वेश्चन है क्या, पहले रेनु गॉट 2.7 पार्ट ऑफ एन एप्पल व्हाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट, हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड व्हाई हाउ मच। तो क्या करना है इसमें, कंपेयर करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि किसी एक एप्पल का 2/7 भाग रेनू खा जाती है और सोना जो है वो 4.5 भाग उसका खाता है। तो बोले कि कौन अधिक भाग खा रहा है और कितना। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बनाया था कंपेयर करने का, सेम वही काम करना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, देखिए थोड़ा सा हम गिन के यहाँ दे रहे हैं 2/7 एंड 4/5, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल जाएगा कि किसका हिस्सा अधिक है। अब सुनिए किसका हिस्सा अधिक है, तो किसका हिस्सा अधिक है वो करने के लिए तो आप यहाँ से निकल जाएगा कि किसका हिस्सा अधिक है। लेकिन इसके बाद पूछ रहा है कि कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो जितना अधिक होगा वो कैसे निकलेगा, जो ज्यादा है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, ठीक है। जो संख्या जो फ्रैक्शन बड़ी होगा बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज फ्रैक्शन होगा उसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन को घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के लिए आप कर सकते हैं ये बटा का घटाव होगा, ठीक है, घटाव करने के लिए। तो यहाँ तक आपका पूरा आज क्लास में चलेगा, 1 क्लास से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, और 4 नंबर भी आपका होमवर्क ही है। आज का टोटल होमवर्क कौन कौन हो गया, पहले का सेकंड नंबर, सेकंड सॉरी पहले का सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर, थर्ड का दोनों क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है वो। तो ये रहेंगे आपके आज
कर होमवर्क, ठीक है। या फिर फोन नंबर भी क्या रहेगा, होमवर्क